Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our तो दोस्तों, बड़ों बड़ों का अहंकार टूटता है बिग बॉस के घर में, और इस बार बारी है उस अहंकारी की जिसको ये बात सुनना ही पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके। अगर मैं गलत हूँ तो भी मुझे टोकिए मत, क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ नमूना दिखा है बिग बॉस के कल के एपिसोड में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी? जी हाँ, द ग्रेट साजिद खान की। साजिद खान जो बिग बॉस के घर में आए हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए, अपनी गुड इमेज बताने के लिए। तो गुड इमेज तो बता ही रहे हैं, खैर जो भी कर रहे हैं गुड ही कर रहे हैं, मगर जो ईगो के ऊपर उनको काम करना था वो तो वो नहीं कर पाए हैं। जाते जाते अपनी इस बात का नमूना वो खुद ही दे गए हैं, खुद ही कन्फेस कर गए हैं कि मुझे ये बात पसंद रही है। अब आप खुद ही सोचिए, जब बिग बॉस के घर में 150 कैमरास के आगे साजिद खान ये कहते हैं, तो जब वो खुद कैमरा के पीछे हों और सामने कोई कुछ करता है, उनको कुछ समझाता है, तो वो बात वो कैसे पसंद करेंगे? तो किसने तोड़ा है साजिद खान का अहंकार, ये बात भी बड़ी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि घर के अंदर तो सब लोग अपने अपने करियर को सेट करने में लगे हुए हैं। एक बड़े डायरेक्टर से पंगा ले तो ले कैसे? आप सोचेंगे अर्चना, जी नहीं, अर्चना तो पहले ही अपना कार्यक्रम कर चुकी है, क्योंकि अर्चना का ये सब करना उसकी अपनी फुटेज के लिए बहुत अच्छा है। वो ये सोच के अब्दू से पंगा लेती है कि अब्दू जो है वो कंटेस्टेंट है, साजिद खान से पंगा लेती है, मगर साजिद खान को सही डायरेक्शन दिखाने वाले सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट हैं। जी हाँ, आपके हम सबके प्रिय शिव ठाकरे। जी हाँ, कल जब शिव ठाकरे ने दिल खोल के साजिद खान को बातें कही तो साजिद खान को पसंद ही नहीं आया। साजिद खान वही हैं जो अब्दू को बार बार स्पून फीडिंग करते थे, अपने डायलॉग अब्दू पे डालते थे कि अब्दू तुम्हें यही फील हो रहा है, तुम जो भी कह रहे हो वो नहीं हो रहा तुम्हें फील, तुम्हें वो हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ। निमरित और अब्दू की जोड़ी बनाने वाले साजिद खान, जब जोड़ी नहीं बनी, साजिद खान ने खुद ही जा के उस जोड़ी को तोड़ना भी शुरू कर दिया, फिर से वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, वहाँ पे भी ईगो आ गई आड़े। फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो साजिद खान की इसी जर्नी में इस बात को पूरी तरह से सामने रखती है कि साजिद खान कितने ईगोइस्टिक हैं। साजिद खान जिस तरह सलमान खान के सामने बैठे रहते हैं, वैसे वो पूरी जर्नी में नहीं दिखाई देते हैं। पूरी जर्नी में वो अपनी निकर में जिस तरह ज्ञान बगाड़ते नजर आते हैं। अब ज्ञान दे रहे हैं तो बाकी भी तो ज्ञानी है ना भाई, वो भी तो ज्ञान देंगे। जिस तरह सुम्बुल को वो ट्रीट करते दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पे भी इसकी बहुत चर्चा थी, मगर साजिद खान को इस बात का एहसास ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैं तो समझा रहा हूँ। साजिद खान को जब कोई ये कहता है कि ये सब कंटेस्टेंट है, एज कोई भी हो, सब लोग मैच्योर हैं, आप क्यों बाबा बने बैठे हो, मगर साजिद खान को ये बात भी पसंद नहीं आती है। अब जब शिव ने साफ साफ सामने से कह दिया कि आप क्यों लोगों को बदलना चाहते हो, आप क्यों चाहते हो कि सुम्बुल मैच्योर काम करे, सुम्बुल जिस एज ग्रुप में यहाँ पे आई है, एक यंग लड़की, वो उसी हिसाब से तो काम करेगी, उसी हिसाब से बिहेव करेगी, अपनी नेचर के हिसाब से बिहेव करेगी, आप क्यों चाहते हो अब्दू आपके हिसाब से काम करे? जब ये बातें शिव ने सबके सामने साजिद खान के मुंह पे कह दी तो साजिद खान की ईगो बाप रे बाप ऐसे क्रैश हुई कि साजिद खान वहाँ पर टिक ही नहीं पाए, उठ के चले गए वहाँ से और खुद कहा कि मुझे ये पसंद ही नहीं है कि कोई मुझे टोके। तो दोस्तों, जब खुद ये पता है कोई सही बात कह रहा है तो आपको उस बात पे अमल करना चाहिए, सोचना तो चाहिए कम से कम, क्योंकि आप भी तो यही कहते हो कि मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मगर यहाँ पे भला कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे साजिद खान की गेम थी जिसकी वजह से वो आगे आगे बढ़ते आए। निमरित को कई बातों पर टोका, निमरित को भी समझाया, निमरित गुपचुप में अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दी, मगर निमरित ये गट्स नहीं ला पाई जो शिव ने ला के दिखा दिए, जो शिव ने सामने से कह दिया वो निमरित नहीं कह पाई, जबकि निमरित को कई बार ये बातें महसूस हुई। इवन कि यहाँ पे बिग बॉस ने भी निमरित को समझाया, बहुत बार समझाया कि साजिद खान की बातों पे थोड़ा सोचो, आप उन्हीं बातों पे माने जा रही हो। इनडायरेक्टली बिग बॉस ने यही बताया कि साजिद खान ये बात गलत कह रहे हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए। तो साजिद खान को जो एक्सपोज किया है शिव ने,
और बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही नॉर्मल वे से, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो साजिद खान को बुरी लगती। मगर साजिद खान है, डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े नाम साथ में जुड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि ये शिव की औकात ही क्या है मुझे समझाने की। दुनिया तो मैंने देखी है, मगर साजिद खान ये भूल गए हैं कि उसी दुनिया में आप ट्रोल हुए हो, उसी दुनिया ने आपको इतना ज़्यादा सुनाया है जिसकी वजह से आपको बिग बॉस में आना पड़ा है अपनी इमेज सुधारने के लिए। अगर कोई अच्छा दोस्त मिला है जिसको आपने खुद ही कहा है, शुरू में ही कहा है कि मैं शिव को अपने साथ, यानी कि मैं शिव के साथ रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि शिव सेंसिबल है, बिग बॉस जीत चुका है, इसको समझ है, ये बातें आप शुरू के कड़ियों में ही कह देते हो। अब वही समझदार शिव जो आपने खुद कहा है, आपको कोई समझदारी की बात समझा रहा है, वो आपको हजम नहीं हो रही है। तो जो साजिद की ईगो हर्ट हुई है दोस्तों, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी यही लगता है जो मैं शेयर कर रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह शिव ने दोस्ती निभाई है, यही दोस्त का काम होता है। उसने सुम्बुल के साथ भी दोस्ती निभाई, उसने अब्दू के साथ भी दोस्ती निभाई, और उसने अब साजिद खान के साथ भी दोस्ती निभाई। एक दोस्त को मुंह पे सही रास्ता दिखाना दोस्त की ड्यूटी होती है, जो शिव ने किया है। इसलिए शिव ठाकरे के नंबर ऑडियंस की नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों, और शिव ठाकरे के नंबर आगे भी बढ़ते रहेंगे। मगर क्या होगा भाई साजिद का, आप लोग बताइए कमेंट करके, क्योंकि उनके जाने की बारी भी आ ही चुकी है। क्या कहना है आपका? कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर